एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये होने वाला है अगेन एक मीशो हॉल। एंड आज मैं मीशो से आपके लिए लेके आई हूँ कुछ लहंगा, साड़ी, फुटवेयर, ज्वेलरी एंड कुछ समर स्पेशल गाउन के ऑप्शन। तो आई होप आपको आज का ये कलेक्शन पसंद आने वाला है। एंड जितने भी आउटफिट शेयर कर रही हूँ एज यूजुअल रीसेलिंग में है, और अगर आप इनमें से कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो आप रीसेलिंग प्राइस में मुझसे बाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना होगा, और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। यहाँ पे मैं आपको क्लिप दे रही हूँ, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट रहिए रीसेलिंग के लिए भी, पर्सनली भी। एंड सभी की जो मीशो प्राइस और रीसेलिंग प्राइस है मैं साथ के साथ स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी यहाँ पे, तो आप चेकआउट करते रहना। एंड अगर अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए लिंक से, जिससे आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे 30% एंड 100 रेट का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप मेरे लिंक से मीशो डाउनलोड करें। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी से। ये एक रेप्लिका है, आप देखेंगे कैटरीना कैफ ने इसे पहना है, एंड ये बहुत सुंदर लग रही है। देखने में भी बहुत सुंदर लग रही थी, प्लस इसकी रेटिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो अच्छा ना, इसका ब्लाउज भी आपको इस तरीके का फुल स्लीव ब्लाउज आएगा, जो कि आपको ना इस तरीके का डिजिटल प्रिंट में फुली प्रिंटेड ब्लाउज इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही प्यारा इस तरीके का ब्लाउज पीस इन्होंने दिया है। ये आपको ना अराउंड 2 मीटर के अराउंड पूरा ब्लाउज पीस है, और ये इसका जो फैब्रिक है ना वो आपको सिल्क फैब्रिक में देखने को मिलेगा, टफेटा सिल्क काइंड ऑफ इसका फैब्रिक है। कलर आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा इस तरीके का ऑरेंज कलर के शेड में है, प्लस पूरे पे फ्लोरल प्रिंट किया हुआ है जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके का आपको एक 2 मीटर का पूरा फैब्रिक देखने को मिल जाएगा। आप इससे वैसा की वैसा ब्लाउज पीस ब्लाउज स्टिच करा सकते हो जैसा पिक्चर में दिया हुआ है, एंड अगर आप एक्सल डबल एक्सल साइज में है तो भी आपके इजीली आ जाएगा। तो इस तरीके का आपको इसमें ब्लाउज दिया हुआ है, साथ में आपको मिलेगा इस तरीके की साड़ी। ये पूरी साड़ी आपको नेट फैब्रिक में देखने को मिल जाएगी, और पूरी साड़ी में इस तरीके के बॉर्डर दिया हुआ है जो कि फुली एम्ब्रॉयडर्ड एंड सिक्वेंस बॉर्डर है, जो कि आप देख सकते हो काफी अच्छा सिक्वेंस बॉर्डर इन्होंने दिया हुआ है। ये आपको फुली एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी देखने को मिल जाएगी, इसी तरीके की नेट की साड़ी है। पूरी साड़ी पे आपको ना इस तरीके के बहुत ही प्यारे प्यारे से बूटे दिए हुए हैं, बहुत सुंदर लग रही है वाली साड़ी पहनने के बाद। प्लस समर्स में ना इसका साड़ी का लुक बहुत ज्यादा अच्छा आएगा, पूरी एक डिजाइनर साड़ी है, ब्राइड्स के अकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी है, कलर बहुत ज्यादा अच्छा है। ना आप कैसे भी फंक्शन में इसे स्टाइल कर सकते हो, बहुत अच्छा लुक आने वाला है। तो इस तरीके की पूरी लाइट वेट साड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। ये पूरी 5.5 मीटर की साड़ी है, एंड ना ये ना इन्होंने फ्रंट के लिए दिया हुआ है। आप देख रहे हो ना, वो वाला जो फैब्रिक इन्होंने दिया था वो उन्होंने ओनली स्लीव्स के लिए दिया है 2 मीटर, और ये वाला फैब्रिक है ना इन्होंने साड़ी में अटैच दिया हुआ है ब्लाउज का, जो कि आप ना इस तरीके का फुली एम्ब्रॉयडेड प्लस सिक्वेंस फैब्रिक इसमें देखने को मिलेगा। ये इन्होंने फ्रंट के लिए इसमें दिया हुआ है, इससे ना वी नेक स्टिच होगा, जैसा आप देखोगे पिक्चर में अभी काफी ज्यादा ट्रेंडी है वी नेक के ब्लाउज, तो वैसे की वैसा आप इससे ब्लाउज स्टिच करा सकते हो। टोटल मिला के फैब्रिक होगा 3 मीटर के अराउंड, तो बहुत ही अच्छा सा ब्लाउज इससे स्टिच होगा। हाथ में वैसे की वैसे ना इससे चुन्नटे आएंगी तो काफी अच्छा लगेगा। तो फैब्रिक इन्होंने ना इसके लिए पूरा दिया हुआ है, प्लस क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। आप देख रहे हो ना पूरे एम्ब्रॉयडर्ड है, प्लस पूरे पे सिक्वेंस लगाए हुए हैं, बहुत प्रिटी लग रहा है ये वाला ब्लाउज। तो इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी मिल जाएगी, एंड इसको मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी इस साड़ी को, इसकी रेटिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, एंड सच में बहुत सुंदर साड़ी आई है। नेक्स्ट आउटफिट को शेयर करने से पहले मुझे आपके साथ शेयर करने थे मामा अर्थ के कुछ प्रोडक्ट। समर्स का टाइम चल रहा है, तो समर्स में आप अपनी स्किन पे कुछ भी ऐसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे पिंपल्स निकल आते हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ मिनी रिव्यू शेयर करना तो बनता है, क्योंकि मैंने इन प्रोडक्ट को यूज किया एंड मुझे काफी ज्यादा इफेक्टिव लगे। तो चलिए देखते हैं मैं कौन से प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, एंड आप डेफिनेटली इन्हें ट्राई करना, आपको पसंद आने वाले हैं। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मामा अर्थ के ये एसेंस सीरम, जो कि न्यूली लॉन्च है। पैकेजिंग इनकी बहुत अट्रैक्टिव है, और इनको लगाने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ एक मिनी रिव्यू शेयर करना तो बनता है। एंड मामा अर्थ के प्रोडक्ट वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मामा अर्थ एक नेचुरल ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, 100% सेफ है, कोई भी हार्मफुल केमिकल इसमें यूज़ नहीं होता है। मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, यानी कि जितना ये प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा ये रिसाइकिल करते हैं। एंड मामा अर्थ ने एक इनिशिएटिव लिया है 2025 तक 8 मिलियन पेड़ लगाने का, यानी कि जब भी आप अपना कुछ ऑर्डर परचेज करते हैं मामा अर्थ से, ये आपके ऑर्डर को एक पेड़ से लिंक कर देते हैं, एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। प्लस मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट हैं, आपको मामा अर्थ की खुद की ऑफिशियल ऐप, उनकी वेबसाइट अमेजोन, नाइट्रा, पर्पल पे मिल जाएंगे। ये अडल्ट्स के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, प्लस जो बेबी प्रोडक्ट है वो मामा अर्थ पे मिल जाएंगे, आपको मामा अर्थ के ऐप पे, अमेजोन पे और फर्स्ट ऐप पे देखने को मिल जाएंगे।
जाएंगे। प्लस मामा अर्थ में अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं जो मैं अभी स्क्रीन पर डाल दूंगी, इससे आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जब भी आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आप मेरा कूपन कोड ज़रूर से अप्लाई करें। तो गाइस, जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है मामा अर्थ का रूट्स ऑफ रेडियंस एसेंस सीरम विद अश्वगंधा एंड टर्मरिक फॉर रेडियंट स्किन। पैकेजिंग आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये 30 ml की आपको इस तरीके की बोतल मिलती है, मतलब पैकेजिंग मिल जाती है। ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, पैरामिनेंट सिलिकॉन फ्री है एंड ये एक एसेंस सीरम है जो कि वाटर बेस्ड है। ये आपकी स्किन को नरिश करता है एंड 2 वीक्स के अंदर आपको एक रेडियंट स्किन प्रोवाइड करता है। अगर आपकी स्किन डल है तो आपको ऐसा लगता है ना, कई कई बार डल हो जाती है स्किन, बिल्कुल भी ग्लो नहीं रहती है। फॉर ग्लोइंग स्किन एंड रेडियंट स्किन आप इसे ट्राई कर सकते हो। आपको 2 वीक्स के अंदर आप देखोगे आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा फर्क आया है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो अगर आपके डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं, आपकी स्किन डल है, तो आप इस एसेंस सीरम को ट्राई करना। ये वाटर बेस्ड है, ये बहुत जल्दी क्विकली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल लाइट वेट है, आपको पता भी नहीं चलेगा। पैकेजिंग आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा सी है, रॉयल सी है एंड डेफिनेटली आप ट्राई करना, आपको पसंद आने वाला है। अश्वगंधा में क्या होता है, ये आपकी स्किन पे जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उनको सबको रिमूव करता है, आपकी स्किन को ब्राइट करता है। टर्मरिक है जो कि आपकी स्किन को ब्राइट करती है, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करती है। और इसमें है हाइलुरोनिक एसिड जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, रिड्यूस करता है आपकी फाइन लाइन्स को एंड आपको एक सॉफ्ट स्किन प्रोवाइड करता है। इसमें है मुलबेरी जो कि आपकी स्किन को, आपके स्किन टोन को है ना लाइटर करती है, पिगमेंटेशन को रिमूव करती है। इसको लगाने के लिए आपको फेस वॉश करना है, जस्ट 2 से 3 ड्रॉप आपको अप्लाई करना है एंड आपको मसाज करनी है नॉर्मली एंड ये आपकी स्किन में क्विकली एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड धीरे धीरे आप देखोगे आपकी स्किन पहले से बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गई है, रेडियंट हो गई है। तो गाइस, अब जो मामा अर्थ का ये इसी सीरम में नेक्स्ट वेरिएंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि आप लोग बोलते हैं दीदी हमारे एक्ने हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, क्या करें। तो इसके लिए मैं आपके लिए ये वाला वेरिएंट को आपको सजेस्ट करूँगी। ये है मामा अर्थ का लीव्स ऑफ क्लैरिटी एसेंस सीरम विद नीम एंड सैलिसिलिक एसिड विद क्लियर स्किन। 30 ml की इस तरीके की पैकेजिंग मिल जाएगी। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है जिनके एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, अगर आपको डलनेस की प्रॉब्लम है आप इसे ट्राई कर सकते हो। ये क्लियर स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। पैकेजिंग आपको सेम उसी तरीके की मिलेगी, वाटर बेस्ड फार्मूला है, ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, पैरामिनेंट सिलिकॉन फ्री है एंड ये आपकी स्किन को क्लियर करेगा। अगर आपकी स्किन पे कोई ब्रेकआउट की प्रॉब्लम है या फिर अगर आपको एक्ने या फिर पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छा है और ये आपके पिंपल्स को हमेशा के लिए गुड बाय कहने में आपकी हेल्प जरूर करने वाला है। तो अगर आप डेफिनेटली इसे ट्राई करना, आपकी स्किन में जितने भी डेड सेल्स हैं उनको हटाएगा एंड आपको सॉफ्ट एंड क्लियर स्किन देगा। तो पैकेजिंग आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की आपको सेम बोतल देखने को मिल जाती है एंड इसमें है नीम, सैलिसिलिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड प्लस जापान्स चेरी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है स्किन के लिए। इसमें है नीम जो कि है ना पिम्पल्स और आपके जो एक्ने मार्क्स होते हैं ना उसमें बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। सैलिसिलिक जो एसिड है वो भी आपकी स्किन पर जितने भी डेड सेल्स होते हैं ना उनको रिमूव करता है, आपके एक्ने को रिमूव करता है। हाइलुरोनिक एसिड तो स्किन के लिए अच्छा रहता ही है, आपकी स्किन को प्लम्प करता है प्लस मॉइस्चराइज करता है। और जो इसमें जापान्स चेरी यूज़ की गई है वो आपकी पिगमेंटेशन को रिमूव करती है, आपकी स्किन को ब्राइट करती है। तो जिनके एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है या फिर आपके एक्ने मार्क्स हो रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्लियर स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करेगा, इम्प्रूव करेगा आपके स्किन टेक्स्चर को एंड ये भी आपको पैकेजिंग सेम इस तरीके की देखने को मिल जाएगी। जस्ट आपको फेस वॉश करना है, 2 से 3 ड्रॉप इसे अप्लाई करना है, मसाज करनी है एंड आप देखोगे आपके जितने भी एक्ने वगैरह हैं, जो भी आपके एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो रहा है, सब धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी, आपके पिंपल्स रिमूव हो जाएंगे एंड आपको क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन मिलेगी। एंड ये ना बिल्कुल लाइट वेट फार्मूला होता है, अगर आप समर्स में भी ट्राई करते हो ना तो भी आपको बिल्कुल चिपचिपा नहीं लगता है, बहुत जल्दी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई करना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप इन्हें बाय कर सकते हैं एंड मेरा कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलना। कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप जब भी शॉपिंग कर रहे हैं मामा अर्थ से मेरा कूपन कोड जरूर से अप्लाई करें। तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इन्हें ट्राई करके जरूर देखना, आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। नेक्स्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ
वो है एक बहुत ही प्यारा सा एक मिरर वर्क लहंगा। इस तरीके के लहंगे ना मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किए हुए हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी शादियाँ चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप भी अफोर्डेबल प्राइस में हल्दी के लिए लहंगा बताओ, तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा ये वाला लहंगा। पैकेजिंग भी अच्छी है, प्लस ना ये पूरा आपको मिरर वर्क में लहंगा देखने को मिल जाएगा। खोल के देखते हैं कैसा आया, बाकी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके का आपको लहंगा देखने को मिल जाएगा। ये ना प्योर वाइट कलर का लहंगा है और साथ में जो इसके ना दुपट्टा है और जो ब्लाउज है वो आपको येलो कलर में मिलेगा, तो कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। एंड ये जो मिरर्स इसमें यूज़ किए हुए हैं ना, ये सारे रियल मिरर्स हैं। तो सबसे पहले हम वेस्ट से स्टार्ट करते हैं। इस ये आपको ना लहंगा सेम स्टिच देखने को मिलेगा, यानी कि एक साइड से खुला हुआ, जस्ट आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग इसे स्टिच कराना है। वेस्ट है इसकी अप टू 42 से अप टू 44, जो कि आपके एक्सल डबल एक्सल साइज में इजीली आ जाएगी। पूरा लहंगा इस तरीके का आपको टफेटा सिल्क फैब्रिक में देखने को मिल जाएगा। एंड पूरे लहंगे पे आप ना इस तरीके का मिरर वर्क किया हुआ है जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये सारे आप देख लो ना, ये रियल मिरर इसमें लगवाए हुए हैं, प्लस एम्ब्रॉयडरी की हुई है। ये सारे छोटे छोटे रियल मिरर हैं सारे, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं और शाइन कर रहे हैं। इस तरीके का ये लहंगा है, पूरा प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है। और अंदर की साइड ना आपको इसमें लाइनिंग मिल जाती है, कैनकैन नहीं मिलती है, कैनवास भी है बॉर्डर पे ओनली। तो हैवी फ्लेयर चाहिए तो आप कैनकैन स्कर्ट के साथ आप इसे पेयर अप कर सकते हो, काफी अच्छा लुक आएगा। फ्लेयर होगा इसका 3 मीटर के अराउंड। तो इस तरीके का आपको ये लहंगा देखने को मिल जाएगा। साथ में ना इन्होंने फैब्रिक इस तरीके के दिए हुए हैं, ये तो दुपट्टा के लिए दिया है और ये इन्होंने ब्लाउज के लिए दिया हुआ है। तो ब्लाउज के लिए आपको इस तरीके का फैब्रिक देखने को मिल जाएगा, कुछ लुक एट दिस ना, कुछ इस तरीके का फ्रंट फैब्रिक इन्होंने दिया हुआ है। ये आपको टफेटा सिल्क में देखने को मिलेगा येलो कलर में। एंड पूरे पे आप देख लो ना, ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है, प्लस ये रियल मिरर लगाए हुए हैं इस पे। तो इस तरीके का आपको फैब्रिक देखने को मिल जाएगा। और एक इस तरीके का भी फैब्रिक दिया हुआ है जो कि ना बैक एंड स्लीव्स के लिए आ जाएगा। ये स्लीव्स के लिए दिया हुआ है फैब्रिक, जो कि फुल सेम एम्ब्रॉयडरी और रियल मिरर इस पे लगाए हुए हैं। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इससे भी आप वैसा कि वैसा ब्लाउज स्टिच करा सकते हो जैसा पिक्चर में दिया हुआ है। और साथ में आपको मिलता है इस तरीके का जॉर्जेट का दुपट्टा, जो कि इस तरीके का प्लेन दुपट्टा है जॉर्जेट फैब्रिक में। एंड पूरे में ना आपको इस तरीके का बॉर्डर देखने को मिल जाएगा, जो कि रियल मिरर इसमें लगवाए हुए हैं। ये पूरा आपको इस तरीके का 2.25 मीटर का दुपट्टा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ना दुपट्टा में थ्रेड की इस तरीके की लेस अटैच की हुई है दोनों साइड, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो इस तरीके का आपको ये दुपट्टा देखने को मिल जाएगा। तो ये है जो नेक्स्ट आउटफिट मैं आपके लिए लेके आई हूँ, हल्दी फंक्शन के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। हल्का फुल्का लहंगा है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, पहनने के बाद स्टाइलिश भी लगेगा। तो आप डेफिनेटली इस लहंगे को ट्राई कर सकते हो, प्राइस के अकॉर्डिंग ये वर्थ इट लहंगा है। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस, ये एक समर स्पेशल गाउन है। मुझे क्वालिटी भी अच्छी लग रही थी, प्लस ना बहुत ज़्यादा लाइट वेट लग रही थी देखने में, समर्स के लिए कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके की आपको ये वाली गाउन देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही प्यारी सी इस तरीके की गाउन है। लुक एट दिस ना, इसमें मे बी ना शायद कलर ऑप्शन मीशो पे अवेलेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग देख के चेकआउट कर सकते हो। ये बहुत ही प्रिटी लगेगी पहनने के बाद। तो ना इसमें ना बैक में काफी अच्छा इसमें डिजाइन दिया हुआ है, जो कि आपको इस तरीके का है ना क्रिस क्रॉस पैटर्न में डिजाइन देखने को मिलेगा। और जो है ना दो डोरी दी हुई है जिसे आपको टाई अप करना है। और पूरे पे ना इस तरीके का टाई एंड डाई प्रिंट किया हुआ है। इस तरीके के प्रिंट है ना समर्स में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, काफी स्टाइलिश लगता है पहनने के बाद। ये पूरी गाउन है ना आपको जॉर्जेट फैब्रिक में देखने को मिलेगी। और इस तरीके की इसमें स्लीव्स है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। कंप्लीट लुक है ना आपको पूरा साइड में क्लियर हो जाएगा। एंड पूरी गाउन आपको इस तरीके की देखने को मिल जाएगी। ये है ना एक एंकल लेंथ गाउन है। एंड अंदर की साइड है ना इसमें आपको प्रॉपर है ना लाइनिंग भी अटैच देखने को मिल जाएगी। फ्लेयर वगैरह इसका काफी ज्यादा अच्छा है, इसका लुक भी काफी अच्छा आएगा स्टाइल करने के बाद। तो आप डेफिनेटली इस गाउन को भी ट्राई कर सकते हो। इसमें जो साइज है मेरा वो है स्मॉल, इसमें भी आपको सारे साइज मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के ले सकते हो। अब तो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी गाइस, ये भी एक गाउन है एंड ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है, ब्लैक कलर की है। एंड ऐसे ना आप इसे कभी भी स्टाइल करो ना, मतलब कैजुअल में भी पहनो या फिर अगर आपको ना कहीं पे भी स्टाइल करना है काफी अच्छा लुक आएगा। कोई फंक्शन वगैरह में करना हो तो उस अकॉर्डिंग काफी अच्छी लगेगी, काफी ज्यादा स्टाइलिश है। आपको ना रेयन फैब्रिक में देखने को मिलेगी और पूरे के ऊपर इस तरीके का फॉइल प्रिंट किया हुआ है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये कुछ इस तरीके की गाउन है, ब्लैक कलर की है एंड इसमें आपको ना स्लीवलेस देखने को मिलेगी। मे बी शायद ना अंदर की साइड इसमें स्लीव्स अटैच हैं, एक मिनट मैं आपको चेक करके बताती हूँ। ओके, तो इसमें आपको है ना स्लीव्स नहीं मिलेगी, ये आपको स्लीवलेस देखने को मिल जाएगी।
ये आपको स्लीवलेस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ना इसमें डोरी दी हुई है पीछे टाई अप करने के लिए। यहाँ पे आपको ना कुछ इलास्टिक वाला पैटर्न दिया हुआ है जो कि वेस्ट पे आएगा, और पूरी रियोन की इस तरीके की गाउन देखने को मिल जाएगी। पूरे पे काफी अच्छा बॉर्डर है, इस तरीके का ब्रॉड बॉर्डर दिया हुआ है, एंड पूरे पे ना इस तरीके का फॉइल प्रिंट किया हुआ है जो कि काफी अच्छा लग रहा है। फैब्रिक क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, ये भी आपको एंकल लेंथ में देखने को मिलेगी। क्वालिटी सुपर्ब है, पहनने के बाद लुक भी काफी ज्यादा अच्छा आएगा। तो आप इस फ्रॉक को भी ट्राई कर सकते हो, समर्स के अकॉर्डिंग काफी अच्छा एंड बेस्ट ऑप्शन है। और साइज है मेरा इसमें मीडियम, इसमें भी आपको सारे साइज मिल जाएंगे। फुल लुक एक बार आप साइड में देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। प्लस साथ में आपको मिलेगा इस तरीके का ब्लैक कलर का दुपट्टा, जो कि इस तरीके का शिफॉन का दुपट्टा है, बिल्कुल प्लेन दुपट्टा है, और पूरे में आपको बस इस तरीके की जो है लेस दी हुई है गोटा पत्ती की, जो कि काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो इस तरीके का आपको दुपट्टा देखने को मिल जाएगा साथ में। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक बहुत ही अच्छे से फुटवेयर का ऑप्शन है। स्लीपर्स है ब्लैक कलर की, एंड इसमें कलर ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल थे मीशो पे, पर मुझे मतलब ऐसा चाहिए था ब्लैक कलर, क्योंकि ब्लैक है ना बहुत सारे आउटफिट्स के साथ आप इसे स्टाइल कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके की हील्स है ना, ब्लॉक हील्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका जो मटेरियल है ऊपर लेदर का है, और इसका सोल भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। साइज है मेरा इसमें 39, इसमें आपको सारे साइज मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के ले सकते हो। ज्यादा हील्स नहीं है, ये होगी 2.3 इंच, इतनी ही है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादा हील पहनती भी नहीं हूँ, और डेली वर्ड आपको चाहिए तो इतनी हील कंफर्टेबल रहती है। प्लस वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ भी अच्छे से जा रहे हैं, और इंडियन आउटफिट्स के साथ भी अच्छे से जा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इन्हें अडैप्ट कर सकते हो। क्वालिटी बहुत अच्छी है और मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। प्लस प्राइस बहुत ज्यादा रीजनेबल है क्वालिटी के अकॉर्डिंग, तो आप डेफिनेटली इन्हें ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अच्छे हील्स है ये वाले, एंड काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा है पहनने के बाद, इवन जीन्स वगैरह के साथ बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने लिया है। और अब जो नेक्स्ट और लास्ट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है बैंगल्स। एंड मेरे पास ना इस तरीके के बैंगल्स पहले भी हैं, लेकिन पहले मैंने अमेजोन से लिए थे, पर यहाँ पे अब मैंने मीशो से लिया, क्योंकि मुझे ना काफी अफोर्डेबल लग रहे थे ये वाले। प्लस कुछ कलर ऐसे हैं ना जो उसमें नहीं है मेरे पास, इसमें मिल गया। जैसे इसमें ब्लैक कलर है, उसमें मेरे पास ब्लैक नहीं था, ग्रे कलर नहीं था उसमें, तो काफी सारे कलर्स मेरे पास नहीं थे, तो मैंने सोचा एक बार पीस ले लेती हूँ। ये आपको ना 12 का पूरा सेट देखने को मिलता है, इस तरीके के बॉक्स में आया है। मैं खोल के नहीं बता रही हूँ, क्योंकि नॉर्मल बैंगल्स हैं, वेलवेट वाले ही हैं, जैसे मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ, मैट फिनिश में है और वेलवेट के हैं। तो इस तरीके के आपको बैंगल्स देखने को मिल जाएंगे। क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, और साइज है जो मेरा इसमें है 2-6, इसमें आपको सारे साइज मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के ले सकते हो। तो ये है जो नेक्स्ट और लास्ट मैंने लिया था, मेरा आज का कम्प्लीट कलेक्शन मीशो से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है विद बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए एंड आपसे मेरी वीडियो मिस नहीं हो। और कुछ मीशो से देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।